emergency drugs and medicine. And the entire operation low. Net cash of 55,000 of essential drugs की सीजर जर्गिंदी. टोटल वर्धाट पुलिस स्टेशन लिमिट लो. इटास फोर्स के तरफ से चादरघाट पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर एक इंटर स्टेट ब्लैक मार्केटिंग गैंग जो इमरजेंसी ड्रग का ब्लैक मार्केटिंग करता था उस पूरे क्रिमिनल गैंग को अरेस्ट किया गया. इसमें टोटल 8 मेंबर्स का अरेस्ट हुआ और इसके साथ जो रिकवरी हुआ है आइटम्स उसमें 51 रेमडेसिविर 100 mg इंजेक्शन 9 एक्टेमेरा 400 mg इंजेक्शंस 480 mg इंजेक्शंस नेट कैश 55,000 और टोटल वर्थ 35,50,000 वर्थ का रिकवरी हुआ. ये पूरे मेडिसिंस इंडिया के अलावा दूसरे कंट्री में एज इमरजेंसी मेडिसिन का यूज होता है जिसमें यूएसए इंडिया सिंगापुर यूनाइटेड किंगडम और दूसरे देश में भी इसका यूज हो रहा है. ये कोरोना ट्रीटमेंट में इन्फेक्शन के टाइम को शॉर्ट करके रिकवरी फास्ट करता है. ये मेडिसिन का ये यूज है. जो अरेस्टेड क्रिमिनल्स हैं इसमें जो ब्लैक मार्केटिंग करते थे उनका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है. के वेंकट सुब्रमण्यम एलियस फनी एज 36 सर्जिकल बिजनेस करता है सिकंदराबाद में. संतोष कुमार एज 39 बिजनेस ऑक्यूपेशन मुशीराबाद. मोहम्मद शकीर एज 34 मेडिकल एजेंसी फील खाना हैदराबाद. के किशोर मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर मुशीराबाद हैदराबाद. राहुल अग्रवाल नारायण गुड़ा हैदराबाद. गगन खुराना एज 21 कमीशन एजेंट शाहदरा दिल्ली. ये मेन ब्लैक मार्केटिंग करता है और दिल्ली से भी इसका लिंक है. सैफ अली मोहम्मद एज 22 मेडिकल एजेंसी तालाब कट्टा हैदराबाद. और फिरदौस मोहम्मद गुप्ता फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर में इम्प्लॉय है सईदाबाद हैदराबाद. ये पूरा ये जो मेडिसिन है हेट्रो कंपनी लोकेटेड जो संगारेड्डी में है वहाँ से बनकर बाहर आता है. और ये लोग जो के वेंकट सुब्रमण्यम एलियस फनी है और बाकी लोग मिलकर के एक हैंड से दूसरे हैंड से तीसरे हैंड थर्ड से फोर्थ फिफ्थ हर लोग कमीशन लेते हैं 2,000, 4,000, 8,000 डिपेंडिंग ऑन दी डील. और बाद में ये प्रॉफिट 15,000 से 18,000 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं और इसका प्राइस मेडिसिन का 30,000 से 40,000 रुपये तक हो जाता है. ये जो पूरे आइटम सीज हुए हैं इसमें हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के हेल्प से कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए आपके सामने जो यहाँ रखा हुआ है ये खाली डब्बा है. जो मेन मेडिसिन है वो कोल्ड चेन में रखा हुआ है अभी और हम लोग इसको इमीडिएटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी देंगे. ये पूरे ऑपरेशन में हमारे लोकल पुलिस स्टेशन चादरघाट के हेल्प से एडिशनल DCP टास्क फोर्स चक्रवर्ती गुम्मी और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर टास्क फोर्स एस राघवेंद्रा सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वी नरेंद्र एन श्री साइलम मोहम्मद थकीउद्दीन और पूरे टास्क फोर्स के स्टाफ मिलकर ये अच्छा काम किए. इसमें हमारे चार मीनार एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर गोविंद जो हमारे बीच यहाँ हैं उनका भी हेल्प हमारे लिए बहुत यूजफुल रहा. और इस मौके पे पूरे फार्मा कंपनीज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शॉप ओनर्स सभी को मैं अपील करता हूँ कि अपने डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखें. कोई इसमें कहीं मिसिंग लिंक नहीं हो जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग का स्कोप कहीं रहे. दैट्स ऑल. थैंक यू.